बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियां देने का दावा करने वाली हरियाणा सरकार अपने इस दावे में फेल हो गई है, क्योंकि बार बार एग्जाम होते हैं, एग्जाम की डेट आती है, उनके लीक होने की खबर आती है और फिर एग्जाम को कैंसिल किया जाता है। इतनी भारी संख्या में एग्जाम का लीक होना, 2 दर्जन से भी ज्यादा पेपर जो है लीक हुए हैं और फिर बाद में जो है पकड़े जाना, 12-12 लाख रुपए में एक पेपर लीक हुआ, इतनी बड़ी रकम और सरकार को भनक तक नहीं। क्या इस पूरे प्रोसेस में, यानी कि आप ये देखोगे कितने पेपर हुए हैं, लीक हुए हैं और उसके बाद में फिर वो कैंसिल हुए, फिर दोबारा से पेपर करवाए गए हैं, इसमें पैसे की बर्बादी तो है ही, साथ ही साथ ये जो पूरा पूरा प्रकरण जो है, यानी कि पैसे लिए जाते हैं, पेपर की थमाई जाती है, उसके बाद में कैंसिल होते हैं, फिर दोबारा से एग्जाम करवाए जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें किसी बड़े अधिकारी का हाथ है या किसी बड़े नेता का हाथ है? ये दावा ठोकने वाली मनोहर सरकार की वो ईमानदार सरकार है और बिना खर्चे और पर्ची के जो है नौकरियां देती है, क्या उसके उसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं है? क्या मनोहर सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देती कि बार बार एग्जाम के लीक होने की खबर आती है और लीक होते हैं और पकड़े जाते हैं और उन पे कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती? आप कमेंट करके जरूर बताएं आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पर।